नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बांदा में कलियुग की मां ने 2 साल के बेटे को नदी में डुबोकर मार डाला। आज रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कलियुग की मां ने अपने 2 साल के बेटे को नदी में डुबोकर मार डाला, बाद में उसे नदी में फेंक कर चली आई। रात में महिला ने खुद परिवार के लोगों को बताया कि उसने बेटे को नदी में फेंक दिया है। परिवार के लोग वहां पहुंचे तो बच्चे के शव को बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। महिला के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखा गया है। कोतवाली प्रभारी जयश्याम शुक्ला का कहना है कि महिला को जेल भेजा जाएगा। घटना का कारण पति से विवाद बताया जा रहा है। गंचा गांव की रहने वाली महिला, बताया जाता है कि कोतवाली क्षेत्र के गंचा गांव के रहने वाले पप्पू निषाद की शादी करीब 6 साल पहले रन्नो 25 वर्ष के साथ हुई थी। दोनों में पारिवारिक विवाद रहता था। बीती शाम भी दोनों में कहासुनी हुई। महिला ने आपा खो दिया और हद पार करते हुए अपने 2 साल के बेटे संदीप को घर से लेकर निकल गई। चित्रकूट धाम मंडल ब्यूरो, बालकृष्ण पांडे की रिपोर्ट।